नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम ट्रांसफर से संबंधित दो लेटेस्ट अपडेट लेकर के आए हैं, जहां हम जान सकते हैं कि आपका जिस स्कूल में ट्रांसफर हुआ उसमें अन्य कौन कौन से शिक्षक साथी ट्रांसफर करा कर आ रहे हैं। साथ में आपका स्कूल यदि शिक्षक विहीन हो रहा है तो उसमें भी तो कई शिक्षक साथी आ रहे हुए ट्रांसफर करा करके, तो आप वहाँ भी देख सकते हो या अन्य स्कूल में कितने शिक्षक ट्रांसफर करा के पहुँचे या आपने जो ऑप्शन भरे थे वहाँ पर कितने शिक्षक पहुँचे। साथ में दूसरी हम जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको यदि किसी शिक्षक साथी या आपके मित्र हैं जिनका यूनिक आईडी आपको पता नहीं है, फोन आपका लग नहीं रहा है, तो आप उनका ट्रांसफर के बारे में जानना चाहते हैं तो किस प्रकार से जानेंगे, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। साथियों, आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग सीएम राज्य स्कूल प्रमोशन ट्रांसफर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम किसी भी शिक्षक साथी की यूनिक आईडी कैसे जाने। यूनिक आईडी से ही हमें पता चलेगा कि उन शिक्षक साथी का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, या किसी भी व्यक्ति किसी भी उसके लिए आप देख सकते हो। तो इसके लिए हम देखते हैं गूगल पर जा रहे हैं। गूगल पर जैसे कि मैं सर्च करूँगा टीचर पोर्टल, ऑलरेडी मैंने पहले से लिख रखा है। तो ये शिक्षक पोर्टल जो सबसे पहले ऊपर जो आइकन दिया है शिक्षक पोर्टल, इसी पर ही हम क्लिक कर रहे हैं। और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा साथियों, और इसमें जैसे कि आप लेटेस्ट अपडेट भी देख सकते हो, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण जहां होना है, और बहुत सारे इसमें निर्देश दिए हैं जो आप लेटेस्ट अपडेट प्रतिदिन की देख सकते हो। और यहां पर हम देख रहे हैं सेवानिवृत्त अनुवीक्षण प्रणाली, जन्मदिन मुबारक, वेतन पर्ची भी आप देख सकते हो बिना लॉगिन किए हुए, और ई सेवा पुस्तिका साथ में। और साथियों, जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ यूनिक आईडी जानिए, अपनी यूनिक आईडी जानिए। तो साथियों, आप अपनी यूनिक आईडी भी जान सकते हो, अन्य शिक्षक साथी की भी जान सकते हो। कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए जैसे सबसे पहले आप अपना नाम डालिए। तो हमें जिन शिक्षक साथी की डाल देखना है, आप अपनी भी देख सकते हो, पहले आप अपनी ही देख लेना। और उसके अलावा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट किसी शिक्षक साथी की दिखाई देता हूँ। और जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं विकास मिश्रा जी, इनकी मैं विकास, चलिए विकास शॉर्टकट में डाल देता हूँ। मिश्रा हैं, भोपाल से हैं, और इनकी आईडी मैं देखता हूँ, सर्च पे करेंगे खोजें, और ये इस प्रकार से आईडी आ गई है, और इस प्रकार से आप जान सकते हो। और ये भोपाल, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी शिक्षक साथी की एक नाम पता चले को उस नाम के अगर चार पांच शिक्षक है तो आप उनके नाम से भी आ जाएगा, जो भी आप स्कूल से भी खोज सकते हो, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। और इस प्रकार से आप खोज सकते हो अपनी भी और किसी भी शिक्षक साथी की आईडी। अब नवीन, जो मैंने इससे वीडियो में लिंक दे दूँगा, तो आप लिंक से देख सकते हो आईडी डाल, यूनिक आईडी डाल करके कि इनका शिक्षा वो ट्रांसफ़र लेटर आप निकाल सकते हो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। और दूसरा आपके, अब देखते हैं आपके विद्यालय में जो शिक्षक साथी हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ है या कितने शिक्षक ट्रांसफ़र होकर के आ रहे हैं। साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर डायरेक्ट आप लॉगिन हो सकते हो, और या लिंक के माध्यम से भी आप लॉगिन होकर के पता कर सकते हो इस लिस्ट को कि किस विद्यालय में कौन से शिक्षक साथी का ट्रांसफ़र हुआ है, उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। और जैसे कि आज है 26 अक्टूबर, और वहीं डेढ़ बज गया है दोपहर का, और हम ये सूची देख रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड डाल दिया है, भोपाल का गर्ल्स स्कूल है फंदापे में स्थित। और चलिए इस पर हम, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर राइट हैंड पर जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइड कर लेना, क्योंकि नहीं तो आपको ये कन्फर्म फुल लेंथ नहीं दिखेगा। तो साथियों, जैसे कि अब हम इस पर, मैंने यहाँ पर डाइस कोड स्कूल का पहले से डाल दिया है, और डाइस कोड यदि आपको जिस स्कूल का पता करना है कि इस स्कूल में कितने शिक्षक आए हैं ट्रांसफ़र होकर के, यदि डाइस कोड पता नहीं है तो आप इसे भी सर्च करते हुए कर सकते हो एक लिंक के माध्यम से। लेकिन हमें इस वीडियो पर अच्छा समर्थन मिलता है तो हम एक वीडियो और क्रिएट कर देंगे कि किसी भी स्कूल का डाइस कोड किस प्रकार से जान सकते हैं। फिलहाल साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे कि कैप्चा मैं फिल कर दूँ यहाँ पर NJM7, ये कैप्चा मैंने फिल कर दिया है। और चलिए व्यू डिटेल पर चलते हैं, और वार्निंग दे रहा है ये, हमने कुछ थोड़ा सा गलत भर दिया होगा, N5G3,
तो चलिए अब देखते हैं इसे व्यू डिटेल पर पहुंच करके। ये साथियों लिस्ट आ गई है, इतने लोग ट्रांसफ़र होकर के पहुंचे हैं और इनमें हम देखते हैं जैसे कि पेंडिंग ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग अभी ज्वाइन नहीं किया, जैसे कि ट्रांसफ़र हुए हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ये ट्रांसफ़र हुए हैं। छठवें नंबर का जो 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:22 पर इनकी ज्वाइनिंग हो गई है, गायत्री मालवीय हैं मैडम और इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इसके अलावा सातवें नंबर पर ये अभी पेंडिंग है, अभी ट्रांसफ़र हुए हैं और बाकी ये 2019 में और 17 में 2019 में हुए थे ये सभी ट्रांसफ़र। तो साथियों इस विद्यालय में अभी करीब 7 शिक्षक साथी पहुंच गए हैं। गर्ल्स स्कूल है फंदा का और ये डाइस कोड है। और जैसे कि यहाँ पर काजल तिवारी मैडम का हुआ है, स्वाति सिंह, दीप्ति दुबे सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं और सपना, तो इस प्रकार से अनु जैन मैडम, इन सभी का ट्रांसफ़र हुआ है। तो साथियों इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस विद्यालय में कितने शिक्षकों का हुआ है। आप इस प्रकार से जान सकते हो, आपके आपने जहाँ पर अप्लाई किया था वहाँ पर आपका नहीं हुआ है तो आप इसके अलावा किन शिक्षक साथियों का वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। उत्सुकता रहती है बहुत सारे शिक्षक साथियों को, तो दो तरीके से आप जान सकते हो ट्रांसफ़र की, ये लिस्ट आप निकाल सकते हो। तो साथियों इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज शाम को हमारा लेटेस्ट वीडियो आ रहा है, यदि 4% जहाँ 4 तारीख को आदेश आ रहे हैं 4% DA बढ़ने का, तो इस पर आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा आप अपने बेसिक पे से इसे जान सकते हो कि इतना फ़ायदा आपको या सैलरी बढ़ करके मिलेगी। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।